आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद तालिबान के साथ मिलकर भारत पर बड़े आतंकी हमले की साजिश में लगा हुआ है। खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीओके में भारतीय वायुसेना की तरफ से बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक से पहले जैश चीफ मौलाना मसूद अजहर ने तालिबान हक्कानी गुटों को कमांडरों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जैश तालिबान के साथ मिलकर भारत और अफगानिस्तान में हमला करेगा। खुफिया एजेंसियों की इस रिपोर्ट के बाद से सुरक्षा एजेंसियां लगातार जैश की गतिविधियों पर नजरें रखी हुई है। सुरक्षा से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक जैश चीफ मसूद अजहर और तालिबान आतंकवादियों के बीच 15-20 दिसंबर के दौरान पाकिस्तान में बैठक हुई है, जिसमें जैश और तालिबान ने मिलकर एक साथ भारत पर आतंकी हमले का प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान जैश आतंकवादियों को बड़े हमले के लिए ट्रेनिंग देगा, जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान आतंकी हमले करते हैं। खुफिया एजेंसी के मुताबिक जैश ने जहां तालिबान के साथ मिलकर भारत पर हमले की योजना बनाई है, वहीं ये खतरा अफगानिस्तान में भी लगातार बना हुआ है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि अफगानिस्तान में भारतीयों ठिकानों और इंस्टॉलेशन पर तालिबान के हमलों पर खतरा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की एएसआई लगातार जैश तालिबान और हक्कानी गुटों के साथ बैठक कर रही है, जिससे भारत और अफगानिस्तान में चोट पहुंचाई जा सके। पाकिस्तान के बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आतंकी कैंपों पर की गई हवाई हमले के बाद नई रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 16 टेरर कैंप मौजूद हैं, जहां आतंकियों को भारत पर हमले के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 टेरर कैंप मुदरी के बाहौलपुर और 3 कैंप मनशेरा में मौजूद है, जबकि 11 कैंप पीओके में सक्रिय है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल इन कैंपों में कुल 560 आतंकवादियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। यहां इन आतंकियों को आईडी से लेकर गहरे पानी में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो समुद्र के जरिए भारत पर हमला कर सके। पीओके के जिन आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग दी जा रही है, उनके नाम है बोई, मुजफ्फराबाद, कोटली, बरनाला, लाकाए, गैर, शेरपाई, देवलीन, खालिद बिन वालिद, गहरी और दुपट्टा कैंप। ये सभी को खुफिया एजेंसियों के निशाने पर है। वैसे देखा जाए तो बालाकोट में जैश के जिन कैंप पर भारतीय वायुसेना ने हमला किया है, उनके बारे में खुफिया एजेंसियों ने हमले से काफी जानकारी इकट्ठा की है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कैंप में 300 के करीब मोबाइल कनेक्शन एक्टिवेट हैं और इन कैंपों में 300 से 350 आतंकी हर वक्त ट्रेनिंग लेते हैं। इन्हीं खुफिया जानकारियों के आधार पर एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की थी। हमले के बाद सैटेलाइट इमेज में खुलासा हुआ है कि बालाकोट में किया गया हमला बेहद सटीक था और हमले में 5-6 बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह की गई।